और एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बीकानेर एयरपोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर राज्य सरकार ने जमीन आवंटन रद्द किया है। पिछली सरकार में 650 करोड़ देने की बात की थी, संभवतः निःशुल्क आवंटन का एओआई का है प्रयास। कलेक्टर कुमारपाल गौतम ने इसकी पुष्टि की है। अब पुनः लगानी होगी जमीन आवंटन के लिए फाइल। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर क्या कुछ वजह है इसके पीछे, जिस तरीके से राज्य सरकार ने जमीन आवंटन रद्द किए हैं यहाँ पर? देखिए, दरअसल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए ही आसपास की जमीन थी, जिसको लेकर लगातार एक डेडलॉक बना हुआ था। दरअसल जिस तरह से जमीन आवंटन के लिए फाइल लगाई गई थी, उसके तहत 650 करोड़ रुपए देने होते, वो संभवतः संभव नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत बड़ी राशि थी। और ऐसे में चूंकि स्टेट गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि उनके यहाँ एयरपोर्ट वगैरह का डेवलपमेंट सही तरीके से हो, तो इस बात को लेकर पिछली सरकार में डेडलॉक बना। इस बार जो है अब मीटिंग हुई, उसमें इस जो फाइल लगाई गई थी, इस आवंटन को एक तरह से रद्द कर दिया गया। और अब ऐसा जो जानकारी मिली है सूत्रों से, इसके लिए दोबारा फाइल लगाई जाएगी एओआई की तरफ से, एयरपोर्ट प्रशासन की तरफ से, जिसके ऊपर जो है राज्य सरकार जिला प्रशासन निर्णय लेगा। कलेक्टर कुमारपाल गौतम ने इसकी पुष्टि की है कि अभी जो है इस जमीन आवंटन का जो मसला था, इसको रद्द कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बड़ी खबर है अपने आप में एयरपोर्ट से जुड़ी हुई। और चूंकि अब ये जरूरी होगा कि जिस तरह से दोबारा फाइल चलेगी, तो निश्चित तौर पर टाइम भी लगेगा, समय भी बहुत लगेगा। तो अब क्या होता है, क्या स्थिर निर्णय होता है, लेकिन बड़ी खबर है कि उस आवंटन की प्रक्रिया को, उस मसले को एक बार रद्द कर दिया गया है, जो जिस तरह से हो रहा था। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।